ले। हाँ? किताब के पैसे कह रही थी ना। पर किताब तो 1000 की आएंगी। अरे 500 रुपए वैसे भी धर ले, 200-400 रुपए जेब में भी चाहिए, तू शहर बाजार में जावे। ठीक है। छोड़ी से कल तू नहाया था पहले, आज मैं नहीं नहीं मैं कल तू नहाया था पहले, नहा लो जल्दी जल्दी फिर इन्हें भी नहाना। मम्मी देख रही, रोज ऐसे ही करता है। कोई बात ना, पहले उसे नहा लेने, थोड़ी देर की तो बात है। अरे भाई लालू जी, ऐश्वर्या की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ जी बढ़िया चल रही है। पढ़ाई तो जैसी चल रही है चल रही है, पर इन दोनों की मौज में कोई कमी नहीं है। मौज में? हाँ, और वह महारानी तो दिन भर बाहर रह वे, और थारा यो छोटा लाडला भाई यो रोज रात पता ना कहाँ जावे। रात में कहाँ जावे? हमें के पता कहाँ जावे, अपने आप पूछ लो। की बात है, चलना ना के अब? एक बात बताना सच्ची, आप रोज रात को कहाँ जाते हो? एक बात बता, तेरी किताब की निया 1000 रुपए, तेरे धोरे भी 100-200 रुपए रहे में, उसकी निया मैं रात को थोड़ा बहुत काम करूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने आपके ऊपर शक किया। मेरे धोरे तेरे अलावा है के? मेरा तो प्यार भी तू है, मेरी धन दौलत तू है, मेरा खजाना तू है, मैं तेरे अलावा कहाँ जाऊंगा, मेरा तो जीना मरना भी तू है। आपने मेरे लिए कितनी मेहनत, कितना त्याग, दिन रात एक कर दिया, और मैंने आपके बारे में क्या सोचा? अरे तो के हो गया, तू मेरे से प्यार करे, तने सोच लिया तो के हो गया। चल अब ये आंसू पूछ ले और खुश हो जा, तेरा पेपर है आज, वो दिन है जिस दिन के लिए तने इतनी मेहनत करी है, ठीक है ना? चुप हो जा, ले दही खा तू। सुन। हाँ? ध्यान से करिए। अच्छा ठीक है।
भाई अब हमारे बस की नहीं है, हम यहाँ पूरे दिन नौकरानी की ढाल काम करें, हमारे आदमी नौकरी करके पैसा कमा के लावे और ये गुलछर्रे उड़ावे। डांगर भूखे खड़े हैं, बर्तन ऐसी पड़े हैं, सुबह से हम काम कर रहे हैं और वो दोनों बाहर घूम रहे हैं। हमें नहीं रहना इनकी गैल, या तो हमें कर दो न्यारा या फिर हमें ले चलो शहर, हम तो वहीं रहेंगे। कम से कम हमारा जीवन तो सुखी होगा, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। हमारा क्या काम है या हम यहाँ क्यों पड़े हैं गांव में? अरे क्यों खामुखा लड़ाई कर रही है? वो रोज ढोर डांगरों का करता रह है, एक दिन तू कर भी लेगी तो कोई आप पता जाए के? मुझे लगा ऐश्वर्या के पेपर चल रहे, आज उसका दूसरा तीसरा पेपर होगा, लालू उसके साथ ही गया होगा। चलो लड़ाई नहीं करा करते, शांति बना कर रखो। नमस्ते दीदी। अरे बेटा तनु मनु गोलू यहाँ आओ। चाचा जी नमस्ते। लो बेटा जलेबी खा लो, ये लो। क्या समझे आया हमें, या हमें जलेबी खुआवेगी? हमें जलेबी खुआ के या नीचे दिखाना चाहवे? पागल समझ रही है क्या हमें? हमें ना चाहिए इसकी जलेबी वलेबी। सुनो। हम्म। अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा? अरे फेल क्यों होगी, पास होगी। देखिए मैं कह रहा हूँ। इतना विश्वास है आपको मेरे ऊपर? और के? एक आप ही तो जो मुझ पे इतना विश्वास करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो। ओ भाइयों पास हो गए। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि तू खुश है, मेरी तो तेरी खुशी बतेरी है।
मेरे लिए भी आपकी खुशी काफी है। ये सब मैंने आपकी खुशी के लिए ही किया है, ताकि मैं आपको वो सब दे सकूं जो मैं सोचती हूँ, ताकि आपको पैसों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। हाथ तो फिर भी फैलाने पड़ेंगे। नहीं, मैं अपनी सारी तनख्वाह आपको दिया करूँगी, ताकि मैं आपसे मांग सकूँ कि मुझे मेरा खर्चा दे दो। अच्छा, और हाँ, ये सब आपके कराने से ही तो हुआ है। आपकी कितनी मेहनत और कितना त्याग छिपा है इसमें। अच्छा जी। हाँ जी, और फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगी और फिर एक बाइक लाऊंगी। अरे मुझे किसी चीज की जरूरत ना है, मेरे धर तो तू है तो सब कुछ है। अब तो मैं न्यू चाह रहा हूँ तू अपने शौक पूरे करे, तू अच्छे अच्छे कपड़े अपनी ने लावे, क्रीम पाउडर जो तुझे अच्छा लगे सब चीज तू लावे। हाँ वो तो मैं सब लाऊंगी, पर पहले सब कुछ आपके लिए लाकर। चल ठीक है, ज्यादा हवा में मत उड़े। सुनो, मैं आपके लिए एक अच्छा सा मोबाइल लाऊंगी, एंड्रॉइड, अभी ये नहीं चलेगा। चल ठीक है, जो लाना है अभी तू नौकरी तो कर ले, आज पहला दिन नहीं और सपने इतने सारे देख, चल वो आ गया ऑटो। सुन, अपना ध्यान रखिए। ले भाई चाय। अच्छा, चाय बना ली? हाँ हाँ हाँ। के घुट रही है दोनों में? चाय पी रहे हैं? आजा तू पी ले, आज लालू ने चाय बनाई है। अरे वाह, देवी दे, हमें भी दिखा कैसी बनाई है तेने चाय। ला रहा हूँ। ले भाई तू भी पी। अरे भाई क्या बात है, चाय उनकी भाभी की और बच्चों की भी धरी है, उन्हें भी दे दियो। तू भी पी लिए? हाँ हाँ। चाय बहुत बढ़िया लालू है। हाँ, गुड़ की चाय से आवा बना नहीं। एस, एस, उठ। आप? उठ गए आप? और के? कितना टाइम हो रहा है? 6:30 बज रहे हैं। 6:30? हाँ। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सारा काम पड़ा होगा, चाय भी नहीं बनी होगी, दीदी शोर मचावेंगी। अरे आँख खोल, चाय पी ले। चाय? हाँ। आपने बनाई है? हाँ। और बाकी सब लोगों की? मैंने सबकी चाय बना दी और सबको दे भी दी। सबकी बना दी? हाँ। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा झाड़ू लगा दूं फिर उठा दूं। आपने झाड़ू भी लगा दी? हाँ। आप घर में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाओगे, ये गलत बात है, सब लोग देखकर क्या बोलेंगे। अरे इसमें बोलने की क्या बात है, जब आदमी नौकरी करे तो औरत भी तो घर के सारे काम करे, झाड़ू भी लगावे। अब औरत नौकरी कर रही है तो आदमियों को ये सब काम करने चाहिए क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, बेशक मैं नौकरी करने लग गई हूँ, लेकिन घर के सब काम मैं ही करूँगी, मैं जल्दी उठ सकती हूँ। हाँ हाँ कोई बात ना, ले तू चाय पी, मैं इतने परांठे बना रहा हूँ और तू जल्दी उठ कर तैयार हो ले। सुनो, ये भी ना बताओ भाई चाय कैसी बनी? अरे भाई लालू, चाय तो तने गजब की बना रखी है। ऐसे ही मैं परांठे बनाऊंगा, तुम जल्दी नहा धो लो, मैं परांठे बना मैं बनाऊंगी, आप रहने दो। अरे तू रहने दे, मैं अपने आप बना दूंगा, तू जल्दी तैयार हो ले, स्कूल में लेट हो जाओगी। नहीं नहीं, नौकरी लगी है। बहू तू रहने दे, ये जो घर में रह रहे ना, अभी ये करेंगे काम। ये हुई ना बात। हम करेंगे। आज लालू ने कमाल कर दिया, गजब के पराठे बनाए भाई, तोड़ी कर दिया। हाँ, हम तो कभी कुछ अच्छा बनाते ही ना। अरे थारी बात कौन कर रहा, हम तो लालू की बात कर रहे हैं। टॉनी, तेरे चाचा कहाँ हैं? चाचा अभी तो यहीं थे, अब पता नहीं। बाहर होगा डंगरों में, वहीं जाके देख ले।
क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ने नहीं चलोगे क्या? देर हो जाएगी। हाँ हाँ बस मैं यूं एक तसला गोबर गेर आऊँ। और सुन, तने परांठा खा लिया? तेरे कमरे में धरकाया था। अचार भी और चाय भी है, मैं गेर के अभी आया। जल्दी आना। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार, आ जा भाई लालू, आज कैसे आना हुआ? अजी वो आपकी मेहरबानी और आशीर्वाद से मेरी घरवाली की नौकरी लग गई है जी। चलो भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी, ये मिठाई लाया था जी। इसकी क्या जरूरत थी? बस ऐसे ही। चलो खुश रहो। ठीक है सेठ जी, मैं चलूँगा। अरे भाई कुछ चाय वाय पी के जाना। बस जी अभी तो बहुत काम है, और बस बड़ी मेहरबानी जी। ठीक है जी, राम राम। राम राम। गुप्ता जी, ये लड़का बहुत ही ईमानदार और मेहनती है और सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा जी, आजकल ऐसे लोग कहाँ हैं? हाँ भाई ठीक बात है, आजकल ऐसे लोग कहाँ हैं, ना इनकी कोई कीमत है। आज के जमाने में ऐसे लोगों को कम बुद्धि और मूर्ख कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। पानी की बाल्टी आप मत लाया करो, कितनी बार बोला है, पहले सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अरे बोलन दे, नू बोलने ते के हो रहा है। आज आप मेरे साथ चलना, मेरी तनख्वाह मिलेगी। हाँ तो तनख्वाह मिलेगी तो ले आइए। मुझे आपके लिए कपड़े लाने हैं। अरे कपड़ों की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पे बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं। कपड़ों की जरूरत तुझे? ना, पहले मुझे आपके लिए लाने हैं। चल ठीक है, मैं चल दूंगा, पर मैं बताऊंगा कि तुझे क्या करना है, क्या लाना है। ठीक है ना, तू नहा ले जल्दी, मैं काम कर लूं। क्यों भाई, आज लालू दिखाई नहीं दे रहा, ना उसकी घरवाली। अजी अब क्यों दिखेंगे, अब तो वह मैम साहब नौकरी कर रही है ना। जब उनका जी करेगा घूमन जाओगे, जब उनका जी करेगा आ जाएंगे, जो उनका जी करेगा वो ही करेंगे। अरे तो राज चल रहा जी उनका। अरे ऐसी बात ना है, गया होगा किसी जरूरी काम से। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो हम पूछेंगे, आन तो दोष है। अरे कितनी लंबी उम्र है, आगे दोनों। अरे कहाँ गए थे? वो भाई से तनख्वाह मिली थी, मैं चला गया था। अच्छा तू तनख्वाह लेने गया था? अच्छा तूने आता के तनख्वाह लाती है घर? ना भाई, अकेल लगी पहली तनख्वाह ना, तुम कहल चलो, हम भैया भाभी और बच्चों की ना कुछ लत्ते वत्ते लेके आऊंगे। तो मैं कह लगा नाना तनख्वाह हम भाई को देंगे, पहले वे जो करेंगे कर लेंगे। अच्छा अभी हमारे लत्ते बनवाए करेंगे? नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरी पहली तनख्वाह थी, तो सोचा आपके और बच्चों के लिए कुछ ले चलूं। देखो भाई बहू ने कितनी समझदारी का काम करा। हाँ तुम्हें तो इनकी हर बात समझदारी लगे, अभी तुम्हें पता नहीं है या तनख्वाह हमें नीचे दिखाने दी गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं थारे दिमाग में तो क्या चलता रहे। हाँ भाई साहब, आप दोनों तो इन दोनों की तरफदारी करोगे। लो भाई कर लो इनसे बात। इस बार मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगी, आपकी तनख्वाह में सिर्फ आपके कपड़े बनेंगे। ओए चोरू के गुलाम, बे कम बुद्धि, कहाँ चल दिया? अरे कहाँ चल दिया, सारे आज तुम्हें फाड़े बिना मानूंगी। एक सच्चे ईमानदार आदमी को गुलाम बता रहे हो? आज मैं तुम्हें छोड़ू नहीं, तेरी बहुत दिनों से तलाश थी मुझे, तुम्हें काट दूंगा सारे धरे ऊपर कूद जाऊंगा, आज फाड़ दूंगा पंजे से, फाड़ दूंगा पंजे से, फाड़ दूंगा अलग में हाथ दे दूंगा सारे अलग में, जी बाहर काट दूंगा जबान उखाड़ दूंगा। अरे तू एक बार नीचे कूदा, चल रे घंटा तोड़ के ला आज इसकी यही दही, रस्सी तो बांध के यहीं तोड़ेंगे दही तेरी। नीचे उतर के नीचे आजा। अरे भैया आजा 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 नीचे को, आज दही काटूंगा तेरी। मैं उतर न रहा हूं, बैठे रहो, चार बच्चे रह नहीं जा, मैं उतरूंगी मेरे धार ना उतरू मेरा मुंह पाल लो। अरे फंस गया देखूं यार, ऊ कहां रह गया?
अरे यार मेरी समझ में एक बात आवे, तेरी स्कूटी ना ले दे, मैं आने जाने का झंझट ही खत्म हो जाओगा। नहीं मुझे अभी नहीं लेनी, मुझे पहले आपके कपड़े और बाइक लानी है। अरे मैं बाइक लेके कहाँ जाऊँगा, कपड़े पहन के कहाँ जाऊँगा, स्कूटी ले देंगे तेरे आने जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। मुश्किल से तो ले दे के एक टेम्पू आवे यहाँ, और तेरा बसों में धक्के खाना खत्म हो जाएगा। हम लेंगे स्कूटी। पर अभी मेरी इतनी तनख्वाह भी तो नहीं है, कई महीने लग जाएंगे। हाँ लग जाने दे, कई महीने हम स्कूटी लेंगे। पर कुछ नहीं है, ठीक है ना, अब स्कूटी ली जाएगी। पहले देखो आ गया टेम्पू। अरे रोकिए रोकिए, हाँ चल चल चल, रोक ले यार। कहाँ रह गया यूं, नाश करवाऊंगा। अरे ओ लालू, ओ लालू भाई, अरे रुक जा भाई रुक जा। अरे यार लालू ये बैठे तो रुक तो सही। है मेरा उतरना मुश्किल हो जाएगा, मुझे अपने गैल ले चल, नहीं तो मरेंगे मेरे आज। हाँ हाँ तो तू आना नहीं चाहिए, मैं देख रहा हूँ, आजा तू। हाँ आ रहा हूँ मैं, रुक जा। कूद जा ना। साले पागल है, जा साले बच गए, नहीं तो आज तेरे में यही गंडा तोड़ता मैं, 2 घंटा। किसी दिन इससे छुलवाना पड़ेगा भाई, खेत में जाके निकल जा। चल चल निकल जा, जो तू थोड़ी देर और रहा था ना तो मैंने भगा भगा के मारता। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, लालू आजा, और सुना? बढ़िया जी सब एकदम। और घरवाली की नौकरी ठीक चल रही है? हाँ जी हाँ जी, नौकरी तो बढ़िया चल रही है जी। एक काम था। हाँ बता बता। मुझे अपनी घरवाली की निया एक स्कूटी लेनी है, और पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर तुम दे दो तो। अरे यार दे देंगे, और बता। काम बता देते जी कुछ। अब काम की क्या जरूरत है, अब तो तनख्वाह आ रही है। नहीं सेठ जी, लालू नहीं बदलेगा, लालू जो कल था वही लालू आज है और वही कल रहेगा। बहुत बड़ी बात है लालू, और सदा ऐसे ही रहना। वो काम बता देते कुछ। अरे काम क्या, चल हमारी ईख गिरवा देना। हाँ जी ठीक है सेठ जी, राम राम। तो बच्चों आज मैं आपको काकी की कहानी समझाऊंगी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। तो बच्चों किसकी माँ भूमि पर लेटी हुई है? लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे एक बात बताओ, उसकी दूसरे महीने की तनख्वाह का तो कुछ पता ही ना चला। पहले महीने की तो तनख्वाह दे दी थी इसने, इस महीने की कहाँ है? अरे तुम क्या करोगे उसकी तनख्वाह का? हमें के करना, पर बात तो यह है कि साज्य में सबकी तनख्वाह एक जगह होनी चाहिए। आप दोनों भाइयों की तनख्वाह तो एक जगह होती है, हम तो इसलिए कह रहे हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे उसकी तनख्वाह का? ऐश यहाँ। जी दीदी। तेरी दूसरे महीने की तनख्वाह कहाँ है? आ गई दीदी। आ गई तो कहाँ है? वो भाई मैं सोच रहा था इसे आने जाने में दिक्कत सी हो रही है, तो स्कूटी दुआ दे। मैं सही कह रहा भाई तू, आजकल बसों में आने जाने में भी दिक्कत बहुत है, और हाँ किराया भी बहुत ज्यादा लगा है। इतनी भी दिक्कत ना, दुनिया ना आ जा रही है बसों में और क्या। अरे बाद में भी लेनी है, अब भी लेनी है, अगर अब ले लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ भाई ठीक कह रहे हो। इन्हें तो हर बात में इनका ही समर्थन करना।
सुनो हाँ। मैं अपनी तनख्वाह ना भाई साहब को दे देती हूँ, हम स्कूटी बाद में ले लेंगे। नहीं नहीं, हम कल स्कूटी लेने चलेंगे। कल? हाँ। अभी तो पैसे भी पूरे ना है। अरे पैसे पूरे हैं, जो कम पड़ेंगे वे मैं दूंगा। आपके पास कहाँ से आए? बस न्यू जरूर बुझे कर आपके पास कहाँ से आए। अरे मैं काम करके ही लाया हूँगा, चोरी तो मैं करूँ ना। के हो अब? एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? समझ नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। हाँ खुशी की तो बात है ही, पर मेरा यही सपना था तुम्हारे लिए बाइक या स्कूटी लूँ जो हमने अपनी कमाई से खरीदी हो, और उसको आप चला रहे हो और मैं बैठी हूँ आपको पकड़ के, आपके कंधे पर सर रख के। अच्छी बात है। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार, सब बढ़िया? ये मेरी घरवाली है, पैर छू। नमस्ते जी। जीते रहो जीते रहो, खुश रहो। ऐश्वर्या, ये वो इंसान है जिनकी वजह से आज तू नौकरी लगी है, जिनकी वजह से हम स्कूटी लेके आए। अगर ये ना होते ना तो तेरी नौकरी लगती और ना ही ये स्कूटी आती। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने मेहनत की है तभी सब कुछ हुआ है। अजी सेठ जी, मेहनत तो दुनिया करे पर उनके पास आपके जैसा मददगार इंसान नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मिठाई तो रह गई, आप मिठाई खाओ। मिठाई खाओ जी। बेटा। हाँ जी। ये जैसा भी है इसमें कोई चमक दमक नहीं है, ये बहुत सच्चा इंसान है, ऐसा इंसान तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। हाँ जी अंकल जी, ये तो है, इनका दिल और मन दोनों बहुत साफ है। हाँ बिल्कुल सही, तुम कभी किसी के बहकावे में मत आना। जी बिल्कुल ठीक है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम दोनों को, जीते रहो खुश रहो। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार। अब एक बात और है, अब लोग तेरे तक चिढ़ेंगे बहुत, और तुझे डरना नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँ अपने आप। हाँ सही है, तू है, ले तू मिठाई खा। ना 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 ना, मिठाई नहीं, शाम को लेके आ जाइए वहीं। अरे यार तू भी खा, मैं खा की बात करे करे ना। मिठाई हो खाने की चीज? ना ना मैं मिठाई नहीं खाता, पौवा लेके आ जाइए शाम को। अरे चल भाई, एक बात है, एक नंबर का लमड़ा है भाई साहब। एक बात बता दूं, डरता तो यू भी किसी से ना, और फिर कोई ऐसी बात हो भी गई तो मैं तो हूं ना, मेरा नाम है नौरंग बदमाश, मुझे उस्ताद जी भी कहने। भाई साहब मैं अकेला ही धो दूंगा अब यू, वैसे तो अकेला ही देख लेगा यू, और कोई वैसी बात होगी तो फिर मैं तो पीछे से हूं ही। और एक बात और है, ऐसा इलाके में कौन है जो शेर के मुंह में हाथ दे देगा, खींच लूंगा जबड़े को। चाचा नई स्कूटी ले आए? वाओ।
ये कितनी अच्छी स्कूटी है। ये ले आया जी, व्हाइट कलर तो मेरा फेवरेट कलर है। वाओ, तो बहुत बढ़िया लग रहा भाई। स्कूटी पे जाया करेगी। भाई बिल्कुल खाएंगे। चाची बैठना एक बार प्लीज। मैं भी चलाऊंगी। फोटो खींच, फोटो खींच, फोन में फोटो खींच। चलो चाची जी फोटो खींचेंगे। फोटो ले भाई लालू, तू भी खा। चाची जी आप भी खिंचवाओ, फोटो खिंचवाओ। मैं भी खिंचवाऊंगा स्कूटी के साथ फोटो। देख रही है मैम साहब को, कितनी खुश है। खुश नहीं दीदी, हवा में हवा में। हाँ अभी तो स्कूटी आई है, फिर जेवर खरीद दे जाएंगे, उसके बाद नए नए कपड़े। हाँ फिर प्लॉट, और उसके बाद चिड़िया फुर। चिड़िया फुर? हाँ फिर ये दोनों भाई रहेंगे। सही कह रही हो दीदी, हमारे मर्दों को इतनी साल हो गए नौकरी करते हुए, और हम यहीं की यहीं पड़े हैं गांव में। सही बात है, हमारी भी कोई जिंदगी है भाई। अब तो जाने आने में मजा आ रहा होगा। हाँ पर सारा मजा किरकिरा हो गया। क्यों, के हो गया? मेरा ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया कहाँ? बिजनौर। अच्छा तो के हो गया फिर? लेकिन अब डेली यहाँ से अप डाउन नहीं हो पाएगा ना। हाँ तो कोई बात ना, फिर वहाँ रह लिए। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी, आप चलोगे ना मेरे साथ? अरे मैं कैसे जाऊँगा यार, ढोर डांगर, खेत क्यार, घर का काम, ये सब छोड़ कर मैं कैसे चला जाऊँगा? मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलोगे? चल ठीक है, मैं एक दो दिन के लिए चल दूंगा, फिर तू अपना एडजस्ट सी हो जाइए वहाँ। और तू एक काम करे करिए ना, शनिवार को आ जाए करिए और सोमवार को उल्टी चली जाए करिए, और जब तू नहीं आ पाओगी तो मैं आ जाए करूँगा। पर मेरा दिल कैसे लगेगा आपके बिना वहाँ पर? अरे नौकरी में ध्यान लगाइए, सब दिल लग जाएगा। आपका लग जाएगा? मेरा कैसे लग जाओगा, मेरे धोर तो तेरे अलावा कुछ है भी ना, तेरे धोर तो नौकरी भी है। पर मुझे क्या पता थी, जो काम मैं आपके लिए करूंगी वही काम मुझे आपसे दूर कर देगा। अच्छा तो मेरे तो दूर जा रही है तू। लेकिन जिस दिन मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं हुई ना, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। अच्छा जी। हाँ। मौसी ने बढ़िया घर का इंतजाम कर रखा है, रसोई भी है, सामान हाँ। भी धरा, और यू सब बेड वेड सब सामान धरा है। यू ठीक है ना? बच्चो अंदर चलो। जी मेरा नाम ऐश्वर्या और मेरे यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अच्छा अच्छा, आप ही हैं ऐश्वर्या जी? जैसा नाम वैसी ही खूबसूरत हैं आप। आइए आइए, मैं मदद करता हूँ आपकी। मैम ये ऐश्वर्या जी हैं। नमस्ते मैम। इनका ट्रांसफर हुआ हमारे यहाँ, आप अच्छा, देख लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको मैं देखती हूँ, आप इनका इंट्रोडक्शन और टीचर से भी करा दीजिए। ठीक है मैम।
हाँ जी मैडम, ये ऐश्वर्या जी हैं। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। बैठो आप। आप बैठिए। नहीं नहीं बैठिए, ठीक है आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। ठीक है। आ गई तू? हाँ जी। आ जा, चाय बना दूं तेरे निया? ना अभी मन ना है। थकरी होगी पीले? नहीं। और बता तू कैसा रहा तेरा स्कूल और वहाँ के लोग? अच्छा था, लोग भी अच्छे थे सब। वहाँ पर एक ओपी शर्मा जी हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, बहुत अच्छे इंसान हैं। या तो बहुत बढ़िया बात है। और बताइए आपका दिन कैसा गया? अरे यार मैं तो बोर हो गया है पड़ा पड़ा, कोई काम तो था ही ना, बिना काम में यहाँ के करता। मैं तो यहाँ खिड़की में कुछ हाँकता रहा, राती जाती गाड़ी देखता रहा। ला मैं चाय तो बनाई लाऊं, पी लिए मन्ने बिना पिए तड़की थे। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया? गेल खाऊंगे ना, मन्ने कढ़ी बना के धर रखी है रोटी। ठीक है ना, चाय ले आऊं बना के पहले? चाय रहने दो, कढ़ी रोटी ले आओ, वही खा लेंगे। आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आप तो कुछ खा लेते। ये है मेरा स्कूल। बढ़िया स्कूल है, ध्यान से पढ़ाइए, डरिए मत। हाँ बिल्कुल बढ़िया, सारे बच्चे एकदम जी बढ़िया पढ़ाइए। अरे ऐश्वर्या जी आप? नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। लाल सिंह, ठीक है मैं चलूं? हाँ आप जाइए। सुनो स्टैंड पर मिलना, मैं आऊंगी। हाँ हाँ मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, तू आ जाइए। ठीक है यार, स्कूटी कमरे पे छोड़ जाऊंगा। हाँ जी। सुनो फोन करते रहना। हाँ ठीक है। अब सुनो घर पहुँच कर फोन कर देना। चले मैडम। हाँ जी। आपकी शादी हो रखी है क्या? हाँ जी। कमाल है, लगता नहीं है, कल मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ सच्ची, कल मुझे भी नहीं लगा इनकी शादी हो रखी होगी। जल्दी हो गई थी क्या? नहीं तो। देखो शादी करने में तो इन्होंने जल्दबाजी कर ली, पर मैडम बुरा मत मानना, आपका और आपके हस्बैंड का ना मेल नहीं है। क्या कह रहे हो शर्मा जी, आप इन्हें पहले से जानते हो क्या? नहीं नहीं, ये तो अभी मिली है, पहले से जानता तो ये ऐसी गलती ना करती। फिर आप इनके हस्बैंड को कैसे जानते हो? अरे कल सुबह ही तो मुलाकात हुई, इनके साथ ही तो आए थे। कैसे हैं? कैसे क्या बताऊं, मैडम बुरा मान जाएंगी। अरे बताओ तो, हम सब साथ ही हैं, अपने अपने विचार बता सकते हैं, बताओ। अरे क्या बताऊं, ये हीरा है तो वो कोयला, ये चांद है तो वो रात, ये फूल है तो वो मिट्टी। ऐश्वर्या ऐसी बात है क्या? सोचो अगर वो ऐसे भी हैं तो भी समझो, हीरा कोयले की खान में ही पाया जाता है। रात बिना चांद का कोई महत्व नहीं होता, मिट्टी बिना फूल कभी नहीं खिल सकता। वाओ, अभी आप लोग उन्हें जानते नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐश्वर्या जी, अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए। बताइए कहाँ जा रही हो मैडम? कहीं नहीं, मैं तो घर जा रही थी। मैं सोच रहा था एक एक कप चाय या कॉफी हो जाता। नहीं मुझे तो घर जाना था। क्यों, घर पे कोई इंतजार कर रहा है क्या मैडम? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चलो ना, फिर कभी देखते हैं, मुझे घर जाना है। इसका मतलब नाराज हो उस बात पर अभी तक? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपको ठीक लगा वो आपने बोला, इसमें क्या है। अगर आप नहीं चलेंगी ना तो मुझे लगेगा अभी तक नाराज है। सोचो मत, चलो।
चलिए। अरे हाँ, बाहर का कुछ मत खाइए। चून, घी, तेल, दाल, वो सब मैं पुचा दे करूँगा। जी ठीक है। ठीक है ना? और सुन, जब कमरे में रह करे तो अंदर से कुंडी ढंग से बंद कर लिए। कोई दिक्कत हो तो तू मुझे फोन कर दिए, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। ठीक है। और हाँ, वो हफ्ते के जो कपड़े हैं वे इकट्ठे करके ले आए करिए, मैं धोकर दे करूँगा। तू वहाँ मत वो करिए। आप इतनी चिंता मत करो, मैं धो लूंगी, मुझे धोने आते हैं। और हाँ, कोई अनजान आदमी आवे तो दरवाजा मत खोलिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, और बता। आपकी याद आ रही है, आपको नहीं आ रही क्या? मेरा तो काम ही के है, अब तो तुझे याद करना ही है। ठीक है। शर्मा जी, आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपको भी तो स्कूल जाना होगा, क्यों ना दोनों साथ में चले। आ गया इधर। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा जब हम दोनों के इधर से जाना ही है तो अलग अलग खर्चा क्यों करना, मैं छोड़ भी दिया करूँगा और ले भी आया करूँगा। मतलब? मतलब कुछ नहीं है, आप मेरे साथ जाएंगी और मेरे साथ ही वापस आएंगी। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हो शर्मा जी, आप चलिए, मैं आ जाऊंगी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरे साथ चलो। आप स्कूटी खड़ी करो अपनी यहीं पे, जहाँ खड़ी है आप मेरे साथ बैठो और चलो। अरे आप बेकार में परेशान हो। अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, इसे यहीं खड़ी रहने दो, बैठो आप। ये हुई ना बात, मैं तो कहता हूँ एक रूट पे काम करने वाले सभी लोगों को एक ही साथ जाना चाहिए, भाई खर्चा भी बचेगा और भीड़ भी कम होगी।